नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने गर्मियों की कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रखी है और इसका क्या अपडेट है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे लिखिएगा कि आपने इस टाइम कौन कौन सी सब्जियाँ ग्रो की है। तो सबसे पहले दोस्तों ये मेरी छोटी सी इस तरह की बालकनी है स्टैंडिंग, इसमें मैंने लगाया है, यहाँ पे मैंने लौकी लगाई है और यहाँ पे भी लौकी है। देखते हैं दोनों में से कौन सी अच्छी, ये तीन है, तीनों में से कौन सी अच्छी ग्रो करेगी उसे मैं रखूँगी और दो को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि 18 बाई 18 का ये मेरा ग्रो बैग है तो इसमें इसी लौकी का प्लांट चलेगा। और मिट्टी देखिए इतनी नीचे हो गई है क्योंकि इसमें मैंने कचरा भर के मिट्टी डाली थी, तो देख सकते हैं आप या अभी ये इसमें खाद बन गई है तो मिट्टी नीचे हो गई है, तो थोड़ा सा प्लांट मेरा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें खाद के साथ मिट्टी मिक्स करके भर दूंगी यहाँ तक। तो दोस्तों ये है एक लोबिया, ये दोनों लोबिया के प्लांट मैंने लगाए हैं क्योंकि एक लौकी का है तो दूसरा नहीं चलेगा ये सोच के मैंने एक लोबिया का प्लांट लगाया है, क्योंकि उसकी रूट छोटी होती है तो शायद दोनों कॉम्बिनेशन में चलेंगे। और यहाँ पे भी मैंने एक लोबिया का डाला है और देखिए ये हमने कट किया था मीठे नीम का प्लांट, तो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफ़ी सारी ब्रांचेज इसमें निकली है। अब मैं उस साइड जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या ग्रो किया है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी तरह से पता चलेगा। तो ये भी एक 18 बाई 18 का ग्रो बैग है, इसमें भी मैंने लोबिया के 6 से 7 प्लांट लगाए हुए हैं, देखते हैं किस तरह का मुझे रिजल्ट मिलता है। वैसे 18 बाई 18 में 4 और 5 प्लांट आसानी से चलते हैं, 2-3 मैंने और लगाए हैं तो अभी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मैंने करेले का प्लांट लगाया है तो अच्छे से ये बेल यहाँ तक ग्रो हो गई है और इसमें एक लौकी का है और टमाटर का अपने आप ग्रो हो रहा है, तो उसे भी मैं रखूँगी और देखूँगी मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। वैसे दोस्तों इतने बड़े मेरे प्लांट इसीलिए है क्योंकि मैंने ये जनवरी के मीड में इसे सीड से लगा दिए थे, तो इस तरह के मेरे प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। तो ये मेरी मेन बालकनी है, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे सब्जियों के पौधे लगाए हैं तो मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगी। दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए मगर आप पूरा देखना। तो ये देखिए ये मेरे बीन्स का प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी छोटी बीन्स अभी बन रही है, तो मैंने इसमें से बीन्स आपको हार्वेस्ट कर लिया है, अभी देखते हैं कितने टाइम ये चलता है और कितनी हार्वेस्टिंग देता है। और फिर इसमें मैंने लौकी का एक प्लांट लगा है, गोल लौकी का लगा दिया है क्योंकि जब ये प्लांट चला जाएगा तब तक वो अपना प्लांट ग्रो कर जाएगा, इसीलिए क्योंकि जगह की कमी होने के लिए हमें थोड़ा सोच विचार करके प्लांट को लगाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने एक चेरी का पौधा लगाया है, उसमें अभी कुछ चेरी वगैरह नहीं आ रही क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही लिया है तो अभी प्लांट छोटा है। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये मेरे बैंगन का प्लांट है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से फूल आ रहे हैं तो अभी फूल से बैंगन बनने लगेंगे, कलियाँ काफ़ी सारी इसमें आ रही है। ये एक लगा है और यहाँ पे मैंने लौकी का प्लांट लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट है इसके पास में, तो इसका पकड़ के कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रो हो गया है। तो ये भी मैंने जनवरी मीड में लगाया था तो फिर अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, हो सकता है हमें 15-20 दिन में भी इसमें फ्रूटिंग मिलने लगे। तो यहाँ पे इतने हैं और ये भी एक बैंगन का प्लांट है, इसमें भी कलियाँ है और ये भी एक बैंगन का प्लांट है मगर इसको मैंने कट कर दिया था, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ से कट कर दिया था, तो अभी नई ग्रोथ होगी और इसमें फ्लावरिंग होगी। तो और ये देखिए एक छोटी सी मिर्च का प्लांट है, ये एक्जोटिक मिर्च है यानी कि रेड थाई मिर्च है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कलियाँ और फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर आपने मिर्ची का प्लांट लगाया है और आपको लगता है कि इसमें मिर्च नहीं बनती तो इसका एक कारण हो सकता है कि पोलिनेशन अच्छे से नहीं होता, तो आप इसमें देखिए फ्लावर के बीच में एक है जो फीमेल पार्ट है और साइड में है जो उसमें पोलन लगे हुए हैं और मेल पार्ट है, तो आपको इतने से छोटे फ्लावरिंग में पोलिनेशन करने के लिए बस
इतना ही करना है आपको, पौधे को इस तरह से थोड़ा शेक कर देना है तो वो अपने आप ही पोलिनेट हो जाएगा और इसमें छोटी छोटी मिर्च भी बनने लगेगी। मैं आपको दिखाऊंगी आगे, इसमें काफ़ी सारी बड़ी मिर्च भी बन रही है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की मिर्च इसमें लगती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो ये मेरी रेड मूली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी मूलियाँ लगी हुई है। तो मैंने डिस्टेंस में लगाई थी, टाइम डिस्टेंस में लगाई थी, यानी कि ये पहले थोड़ी सी लगाई थी, फिर इस साइड की लगाई थी और फिर पीछे की लगाई थी। तो मुझे थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में इसमें से मूली मिलती रहेगी। तो ये मेरी मूली की अपडेट है। और यहाँ पे एक पर्पल कैप्सिकम का प्लांट लगा है, उसमें भी अभी कलियाँ आ रही है। और साइड में देखिए, ये मैंने मूली के और दो प्लांट इसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन में गार्डनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी कम जगह में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये मैंने तीन लौकी के प्लांट लगाए हैं, इसमें से एक अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा तो मैं एक को निकाल दूँगी और दो को रखूँगी। और यहाँ पे भी देखिए, ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी इसमें लगी हुई है, यहाँ पे इसमें इस तरह के फ्लावर आ रहे हैं। तो उसके साथ में ही मैंने लौकी का प्लांट लगा दिया है जो अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। तो बाद में मैं इसमें भी मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें भी कचरा भरा हुआ है तो मिट्टी नीचे बैठ गई है। तो इसमें भी मैं मिट्टी डाल दूँगी और इसमें भी मुझे मिट्टी बाद में डालना है। और ये मैं ग्रो बैग रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ब्रोकली लगानी है। और ये देखिए, ये पम्पकिन की सीडलिंग मैंने की है, तो ये अच्छे से सीडलिंग भी ग्रो कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है मेरे स्ट्रॉबेरी के प्लांट, इस विंडो पे मैंने लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है तो यहाँ पे मैंने लगाए हैं। मगर अभी इसकी सीज़न जा रही है तो इसमें अच्छे से कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखूंगी, मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी छांव में ताकि अच्छे से चले। और जो मिर्च की मैं बात कर रही थी आपसे, रेड थाई मिर्च की, वो इस तरह की मिर्च होती है जो आपको एक्जोटिक वेजिटेबल में मिलेंगी। तो आज मुझे इसको हार्वेस्ट करना है, ये रेड हो जाती है, तो एक ये रेड हो गई है और काफ़ी सारी अभी इसमें आ रही है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी मिर्च लगी हुई है, और ये इस मिर्च का दूसरा प्लांट है, इसमें भी अच्छे से मिर्च आ रही है। और ये मेरा सीडलिंग स्टेशन है, यानी कि इसमें मैंने जो है वो जुकीनी के दो प्लांट लगाए हैं, एक तो वाइट करेले का है और यहाँ पे भी मैंने करेले के सीड इसमें डाले हैं और इसमें मिर्च के सीड्स डाले हैं। तो ये सारे ग्रो कर रहे हैं, अभी मुझे इसको शिफ्ट करना है उसकी मेन जगह पे। और यहाँ पे तो रेन लिली के प्लांट लगे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने तो दोस्तों आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। तो बस आपको इतना ही करना है, इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, इसको भी मैं निकालूंगी, ज़्यादा ग्रो नहीं करना मुझे, यानी कि ज़्यादा रेड नहीं करना वरना ये सूख जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है, ये रेड थाई रेड चिली है जो छोटी सी होती है और मीडियम स्पाइस होती है, मीडियम तीखी होती है, तो आप इसे कभी भी खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह से एक्जोटिक वेजिटेबल भी आसानी से अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग तो आपने काफ़ी देखी होगी, मगर मैं यहाँ पे बालकनी गार्डनिंग करती हूँ। तो अगर आपके घर में भी बालकनी है और आप भी थोड़ी बहुत गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वीडियो मेरे देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो इस तरह से आते रहते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप भी अपनी बालकनी में इस तरह के एक्जोटिक वेजिटेबल भी ग्रो कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।